एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने 17 ग्राम 40 मिलीग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया जाएगा। आरोपी पर पहले भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। इंचार्ज प्रमोद वाले ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि न्यू नानक नगर में एक युवक नशीले पदार्थ के साथ घूम रहा है, और सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर सोमनाथ, सतीश कुमार, राजकुमार, योगेश, अखिलेश की टीम का गठन किया गया। टीम ने मौके पर जाकर वहां घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट जन स्वास्थ्य विभाग के SDO लाल सिंह को बुलाया गया, जिसके सामने पकड़े गए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 17 ग्राम 40 मिलीग्राम हीरोइन बरामद हुई है। पुलिस ने पहचान में नानक नगर निवासी लेखराज हैफी का नाम सामने आया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंचार्ज प्रमोद वाले ने बताया कि पकड़ी गई हीरोइन की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी के पिछले 6 महीने से नशीले पदार्थ बेचने का काम कर रहा था। आरोपी आसपास के युवाओं को नशा बेचता था। आरोपी पर पहले भी 2021 में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है, जो कोर्ट में विचाराधीन है। जिला यमुनानगर में मान्य पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी के दिशा निर्देश नशे को लेकर दिन प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। जो कल हमारे को सूचना मिली थी कि फरकपुर में गुग्गा माड़ी के पास नानक नगर में एक युवक नशे का कारोबार कर रहा है, जिसके आधार पर हमने टीम को गठित करके उस युवक को काबू किया और युवक से नाम पता पूछा, जिसने अपना नाम लेखराज उर्फ हैप्पी बताया। जो मौके पर राजपत्र अधिकारी लाल सिंह जी को बुलाकर तो उसकी तलाशी दी गई, जो उसकी पोजीशन से 17.40 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और सब पूछताछ की जा रही है। और जो पूछताछ के दौरान जो भी आएगा, जो भी इन्वॉल्व होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज जो आप पूछ रहे हैं कि हमारे पर जो 5 महीने में हमने करीब 1.25 किलो हीरोइन पकड़ी है, और जिसकी बाजार में कीमत है जो उसकी 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और जो मई माह को लेकर चले हम, मई माह में हमने सबसे ज़्यादा ये हीरोइन पकड़ी है, जो 1 किलो से ज़्यादा हीरोइन पकड़ी है, जिसकी बाजार में कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा है। जो नशे तस्करों के जो मकान वगैरह है, जो पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? जो इनकी जांच की जा रही है, जिनकी प्रॉपर्टी नशे से लिप्त है, उसके अनुसार नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंचार्ज प्रमोद वाले ने बताया कि अब तक इस साल उनकी टीम ने नशा तस्करों पर प्रहार करते हुए 1.5 करोड़ से ऊपर की भारी भरकम हीरोइन नशा तस्करों से पकड़ी है, और 40 मामले दर्ज करते हुए 62 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। अकेले मई महीने की अगर बात करें तो करीब 1 करोड़ की 1 किलो 120 ग्राम हीरोइन पकड़ी गई है और 11 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जो भी नशा तस्कर पकड़ा जाता है, उसकी प्रॉपर्टी की भी जांच विभाग के द्वारा ज़रूर की जाती है। यदि कोई प्रॉपर्टी नशे से बनाई हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जा रही है। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।